योर मनी में आज हमारा फोकस है हेल्थ इंश्योरेंस पर और हमारे साथ है हमारे खास मेहमान अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। स्वागत है हमारे शो में आपका रूंगटा साहब। रूंगटा साहब, सिर्फ 2% भारत की जो आबादी है उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। नॉर्मली एक सवाल ये उठता है, मैं तो यंग हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर क्यों किसी को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। पुरानी कहावत है, आप कुआं तब नहीं खोदते जब आपको प्यास लगती है जी। प्यास आपको लगनी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग जब वो बीमार होते हैं या जब उनकी उम्र बढ़ जाती है और उस समय बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तब देखते हैं। फिलहाल के दिनों में काफ़ी कॉन्शियसनेस आई है और काफ़ी उस चीज़ में चेंज भी हुआ है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से अब उसमें जो है गति आई है। इनफैक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट अगर हम नॉन लाइफ का लें वो हेल्थ इंश्योरेंस है। वो 30-35% ग्रो हो रहा है, 8,000 करोड़ के आसपास उसका प्रीमियम कवरेज है, लेकिन अभी तक तो हमने जैसे कि कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं देखी है। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो इतना ह्यूज है कि मेरे ख्याल से ग्रोथ रेट जो इस इंडस्ट्री की है वो बहुत हाई रहेंगी। राइट सर, वेल सेड। लेकिन जिसको अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिन्होंने नहीं ली है अभी तक, शुरुआत करने के लिए क्या सलाह देंगे? मान लीजिए कोई यंग इंडिविजुअल 25-30 साल की एज ग्रुप का बंदा या बंदी, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? क्या क्या ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है? ऑप्शन तो मेरे ख्याल से करीबन हर नॉन लाइफ कंपनी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देती है। हेल्थ इंश्योरेंस की 3 स्पेशलिस्ट कंपनीज भी हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती हैं। मैक्स ब्यूपा है, स्टार है और अपोलो म्यूनिक है। और जो 15-16 नॉन लाइफ कंपनीज हैं उनमें से भी करीबन सभी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। देखना क्या चाहिए, अगर हम क्विकली रिकाउंट करें तो सबसे पहले कितनी एज तक आपको वो पॉलिसी मिलेगी। ये खास करके जो थोड़ी सी ज्यादा उम्र में ले रहे हैं, अगर 50 की उम्र में आप ले रहे हैं और पॉलिसी रिन्यूएबल सिर्फ 60 साल तक है, उसके बाद जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब अगर आपको वो पॉलिसी नहीं मिलती है तो वो एक इश्यू है। सेकेंड, लोग गलती करते हैं, सिर्फ प्रीमियम आज का देखते हैं। उनको ये भी देखना चाहिए कि जब मेरी उम्र बढ़ेगी उस समय क्या प्रीमियम मुझे लगेगा। वो आपको साइट से मिल सकता है, इंश्योरेंस कंपनी की साइट से मिल सकता है, हमारी जैसी अपना पैसा कंपनीज की साइट्स पे भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो आप टोटल ओनरशिप देखिए, आप अपना एक लाइफ का अवधि लीजिए 80 साल की, 85 साल की, उसमें मुझे कितना लगेगा प्रीमियम वो आप चेक करिए। 2-3 चीजें और बहुत जरूरी है। कई कंपनीज में कोपे और सब लिमिट्स होता है। अगर संक्षेप में कहूं, सब लिमिट्स यानी जो टोटल कवर आपको मिला है उसमें से सर्टन पोर्शन तक ही पर्टिकुलर चीजों के लिए मिलेगा। अच्छा। नॉर्मल सब लिमिट होता है रूम रेंट के लिए 1% ऑफ सम अश्योर्ड। ये कई पॉलिसीज में है, कई में नहीं है, कई में है। कई में होता है कोपे, यानी कि सर्टन परसेंटेज जो भी होगा अमाउंट का, एक्सपेंडिचर का, वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा। नॉर्मल होता है कि अगर हर कंपनी का अपना एक नेटवर्क होता है हॉस्पिटल्स का, उसके अलावा अगर आप करते हैं तो कोई कोई पॉलिसी में 10% शायद आपको देना पड़े। हर पॉलिसी में नहीं होता, कोई पॉलिसी में होता है जी। बट सबसे इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी में कवर्ड क्या है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो बहुत सी इसमें मिसकंसेप्शन होती है लोगों को। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि कोई भी मेजर अगर खर्चा आएगा तो वो कवर्ड होता है, लेकिन ये जो मेडिक्लेम टाइप की पॉलिसीज होती हैं ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर कवर करती हैं। आपने एमआरआई कराया, उसमें कुछ नहीं आया, एमआरआई के 10,000 लग गए, 15,000 लग गए, वो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आपने एमआरआई कराया, उसमें कुछ आया, उस वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मली हर पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आपको पैसा जो है मिल जाता है। तो एक तो ये बात हुई कि जो एक्सपेंडिचर आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन है, इन हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो कई चीजें कवर नहीं होती। उसमें अगेन संक्षेप में अगर कहूं तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड चीजें कवर नहीं होती, एचआईवी एड्स या और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कवर नहीं होते, वैक्सीनेशन इनोक्यूलेशन वगैरह कवर नहीं होते,
कई परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं और कई एक्सक्लूजन होते हैं टेम्पररी, पहले दो साल के लिए, कैटरैक्ट ऑपरेशन दो साल के लिए कवर्ड नहीं है, लेकिन ये हर पॉलिसी में अलग होता है। ऑलराइट, ये हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअल हेल्थ प्लान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत यही किया था कि अगर किसी यंग प्रोफेशनल को चाहिए, लेकिन आजकल जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जो सुनने में आता है वो है फैमिली फ्लोटर प्लान, राइट, जिसमें आप पूरी फैमिली कवर करते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और कितना सही है ये लेना, या फिर किसी फैमिली में सबके लिए इंडिविजुअल प्लान लिया जाए, या फिर एक फैमिली फ्लोटर से ही काम चल जाएगा? तो सबसे पहली बात, कुछ नहीं हो उससे तो अच्छा फैमिली फ्लोटर आप प्लीज लीजिए, लेकिन अपना पैसा में हम फैमिली फ्लोटर्स के बहुत बड़े फैंस नहीं है। अच्छा। और उसकी दो तीन कारण, एक तो जो फैमिली फ्लोटर में सो कॉल्ड एक कॉस्ट एडवांटेज होता है कि 3 लाख की आपने पॉलिसी ली, आपकी फैमिली में 4 जने हैं, कोई भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, वर्सेस अगर आप अफोर्ड कर पा रहे थे 2 लाख इंडिविजुअल पॉलिसी। जी जी, वो जब यंग होते हैं तब वो उसमें कुछ कॉस्ट एडवांटेज आपको शायद दिखे, लेकिन जैसे ही उसका जो प्रीमियम की गणना होती है वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर के हिसाब से होती है। अच्छा। जैसे ही वो 45 के ऊपर जाता है ये जो प्रीमियम का सो कॉल्ड एडवांटेज है, इनफैक्ट हमने कई कंपनीज में देखा है कि 45 के बाद अगर आपने एक फैमिली 4 जनों की फैमिली के लिए, जब सीनियर मोस्ट मेंबर 45 का हो गया, तो उसकी 3 लाख की फैमिली फ्लोटर लो वर्सेस 3 लाख उसी कंपनी से, 3 लाख चारों की इंडिविजुअल लो, तो चारों की इंडिविजुअल आपको सस्ती पड़ती है। सो ये एक जो प्राइसिंग है वो एडवांटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पहली बात, स्पेशली एज यू ग्रो ओल्डर। बट ज्यादा डिसएडवांटेजेस उसमें ये है, अगर जिसके नाम से पॉलिसी है सीनियर मोस्ट मेंबर, उसकी अगर डेथ हो जाए तो फिर, और या तो बाकी के लोगों को नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, अगर मीनवाइल उनको कोई डिजीज हो चुका है नई पॉलिसी में वो कवर नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम्स है। अगर उसकी डेथ हो जाए या ही रीचेस द लेवल ऑफ रिटायरमेंट, तो अगेन, और बच्चों का 25 साल हो जाए तो वो भी कवर्ड नहीं होते हैं।